भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुड़े इनके जन्मदिन के अवसर पर पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं समाज के हर तबके की जनता जन्मदिन की बधाई देने के लिए सुबह से ही इन्होंने ताता लगाया था। इस दौरान विविध सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। साथ ही श्री महालक्ष्मी जगदम्बा संस्थान कोराड़ी में अन्न छत्र प्रसादालय का शुभारम्भ भी किया गया है। चंद्रशेखर बावनकुड़े इनके जन्मदिन के अवसर पर कोराड़ी मंदिर परिसर में रक्तदान शिविर, जरूरतमंदों के लिए कंबल वितरण आदि सामाजिक कार्यों का आयोजन किया गया था। इस दौरान बावनकुड़े द्वारा कहा गया, जन्मदिन के दिन मैं कोराड़ी स्थित महालक्ष्मी संस्थान में ही रहता हूँ। आज भी मैंने माँ के चरणों में यही प्रार्थना की कि महाराष्ट्र में सुख समृद्धि रहे, सबका जीवन मंगलमय हो, कोई दुखी ना रहे, किसी तरह की दुखद घटना ना हो, किसान खुश रहे, महाराष्ट्र सुजलाम सुफलाम रहे। माझ्या वाढदिवसानिमित्त आई महालक्ष्मीच्या संस्थानामध्ये असतो आणि आई महालक्ष्मीला मी नमन केलाय, पूजा अर्चना करून आईला हेच म्हटलंय की या महाराष्ट्र सुख समृद्ध राहू दे, सर्वांचं जीवन मंगलमय राहो, कुणाच्या जीवनामध्ये कुठली दुःखद घटना घडू नये आणि या महाराष्ट्राचा शेतकरी, शेतमजूर आणि या महाराष्ट्राच्या 13 कोटी जनतेला आणि ह्या महाराष्ट्राला सुजलाम सुफलाम होण्याकरता मी आईला प्रार्थना केली आहे। आज बावनकुले इनके जन्मदिन के अवसर पर श्री महालक्ष्मी जगदम्बा संस्थान में अन्न छत्र प्रसादालय का भी शुभारंभ किया गया है। इस प्रसादालय में हर रोज 5,000 श्रद्धालु महाप्रसाद का लाभ ले सकते हैं। ऐसी जानकारी भी इस दौरान बावनकुले द्वारा दी गई है। 5,000 लोक या ठिकाणी जेवतील अशी व्यवस्था आई महालक्ष्मी मंदिरात केली आहे। सकाळी 12 ते 3, दुपारी सायंकाळी 7 ते 9, 5,000 लोक जेवतील अशी व्यवस्था केली आहे। इसके साथ ही जन्मदिन के अवसर पर विविध सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जिसमें जरूरतमंदों को कंबल का वितरण, भोजन दान एवं रक्तदान शिविर जैसे सामाजिक कार्य शामिल है। इसके साथ ही आज सुबह से ही लोगों का जन्मदिन की बधाई देने के लिए ताता लगा हुआ था। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज नागपुर।